Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Hello friends, शाम का टाइम है. देखिए, मैं अपनी बेटी के साथ, तियारा के साथ खेल रहा था. वो देखिए फ्रेंड्स, घर का अभी हालत बहुत खराब हो गया क्योंकि सारा टॉयज है ना, चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा है. ये देखिए, आजकल नया स्टार्ट किया है कि थोड़ा सा पानी पीने के बाद वो मुंह से बाहर निकालती है. ए, सॉक्स भीजे जाबे, जाओ तियारा जाओ. और उसके वजह से क्या हो रहा है, उसका जो सॉक्स है ना वो गीला हो जाता है. तो मैं साफ कर देता हूँ. तियारा, दुष्ट करो ना. नो 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 नो, एरकम दुष्ट करो ना. उसको अभी साफ सफाई करने का भी बहुत इच्छा है. वो कभी भी जो छोटा सा वो पोछा लेके ना वो साफ करती रहती है, क्योंकि हम लोगों को देख देख के सीखती है अभी. लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँगा, यहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम है उनको सब कुछ सिखाता है. अभी तियारा का 2 साल भी नहीं हुआ, अभी 2 साल होने में टाइम है, 4-5 मंथ्स. तो अभी से वो आने के बाद जैकेट वगैरह खोलती है खुद से, और फिर शूज़ वगैरह खोल के रख देती है जगह पे. तो ऐसा है अभी, क्योंकि यहाँ पे वो सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाता है. और खाना भी वो खुद ही खाती है अभी स्पून से, मतलब हम लोग भी खिलाते रहते हैं साइड में, और वो खुद भी ये वो खाती रहती है. तियारा आशो, हम लोग अभी तियारा को है ना एक ही जो लैंग्वेज है उस पर ही फोकस कर रहे हैं, बंगाली पे. एक बार वो ठीक से बंगाली सीख जाए ना, उसके बाद हम इंग्लिश वगैरह और दूसरा लैंग्वेज सिखाएंगे. क्योंकि एक बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल में तो स्वीडिश बोल रहा है, फिर घर पे आके भी हम लोग अगर इंग्लिश या अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो घर पे हम लोग टोटली बंगाली यूज़ कर रहे हैं उसके साथ, ताकि वो बंगाली में थोड़ा अच्छा हो जाए. उसके बाद हम लोग सोच रहे उसको इंग्लिश वगैरह सिखाएंगे धीरे धीरे. तेरे चलो चलो काम 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 तेरा काम. अभी रात का देखिए 8 बजने को है, अप्रोक्सीमेटली 8:30 बजे तियारा सो जाती है. नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना होता है 9 बजे उसको, तो 8:30 बजे सोती है तो वो 7 बजे तक उठ पाती है. क्योंकि रात को तो एक दो बार उठती है तो उसका नींद पूरा नहीं होता, क्योंकि हमारा बेड के साइड में तियारा का जो कॉट है, छोटा सा बेड है, उस पर वो सोती है. फिर रात को अप्रोक्सीमेटली 12 बजे वगैरह वो रो रो के फिर वो हमारे साथ आ जाती है. तो रात का प्रॉब्लम है ही उसको, वो बहुत बार उठती रहती है, तो इसके वजह से हमारा भी नींद कभी कभी पूरा नहीं होता. तो ये अदरवाइज वो स्कूल में आजकल काफ़ी जाने का इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे खेलने को मिलता है दूसरे बच्चों से, तो वो स्कूल में जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको आजकल, तो वो एक अच्छी बात है. तुम्हारा शौक भीजिए अभी, जा जा तुम्हारे सॉक्स भी जगह. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कल मेरा लंच है, ये अभी जो नूडल्स बनाया था उसमें से थोड़ा लंच बॉक्स में अभी से डाल दिया, तो इसको कूल ठंडा करने के बाद फ्रिज में डाल देंगे. नूडल्स 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 खावे. फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम में हर एक संडे है ना कॉल रिसीव करता हूँ आप लोगों का, तो आपका अगर कुछ भी क्वेश्चन है पहले मुझे डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, तो उसके बाद हम संडे या सैटरडे वीकेंड में कनेक्ट हो सकते हैं. जैसे आज भी 2-3 लोगों ने मुझे कॉल किया है मॉर्निंग में, तो उनका छोटा मोटा क्वेरी था जो मैं आंसर देने का कोशिश किया. बहुत लोग ऐसे हैं कि जो माल्टा और इटली में है वो स्वीडन या इस तरफ आना चाहता है, स्वीडन की तरफ, तो उनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है. तो ऐसा कुछ अगर आपका क्वेश्चन रहा तो मुझे लिखिए, मैं टाइम निकाल के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा. यार एखन शूज पड़ते हैं ना, तुम छेड़े दाओ, छाड़ो ओ शूटा खोलो, सीट करो, एखे सीट करो सीट करो सीट. हम्म,
देखिए फ्रेंड्स, ये टीवी में मैं कभी कभी मेरा ही यूट्यूब चैनल का जो वीडियोस है वो डाल के रखता हूँ, क्योंकि तियारा वो देखने में उसको मज़ा आता है। तो ये वीडियो मैं बनाया था, प्लान योर जॉब सर्च फॉर यूरोप, ये थोड़े दिन पहले बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, और ये भी एक बनाया था हाउ टू गेट शेंगेन वीज़ा। तो ये आप देखिए मेरे चैनल में है। लाइट नहीं भी होना आती आ रहा, अंधकार हो जाते। चलो तो सॉरी फॉर स्पीकिंग इन बंगाली इन बिटवीन, क्योंकि उसको तियारा को तो एक ही हम अभी सिर्फ बंगाली सिखा रहे हैं स्ट्रिक्टली, ताकि वो बंगाली में अच्छा एकदम सीख जाए, उसका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाए थोड़ा बहुत। वो अभी काफ़ी वर्ड्स जो है वो बोल लेती है, धीरे धीरे वो सीख रही है, तो उसका कन्फ्यूजन भी कम हो रहा है। तो उसके बाद स्कूल में तो स्ट्रिक्टली स्वीडिश में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इवनिंग में इधर का लाइफ मोस्ट ऑफ द लोगों का ऐसा ही रहता है, जो भी फैमिली पर्सन है खाना और पकाना और बच्चे संभालने में ही निकल जाता है। वैसे अभी देखने बोला 8 बजा है, तो स्वीडन में लोग और पहले खाना खा लेते, तो हमारा यूजुअली 8:30 बजे तक खाना हो जाता है। तो हमारा थोड़ा सा लेट होता है खाना वगैरह खा, लेट यानी 8:30 बजे तक सब कुछ होता है। कि तियारा जब खाती है तो हम भी साथ में ही खा लेते, तो 8:30 बजे तक सब कुछ हो जाता है। लेकिन कोई भी स्वीडिश लोग हैं और बहुत पहले खा लेते हैं खाना, जो डिनर है जो करना भी चाहिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 6:30 to 7 o'clock तक वो लोग खाना खा लेते हैं। उसके पहले भी कोई कोई खा लेता है, ताकि डाइजेशन वगैरह अच्छा हो जाए। यहाँ पे वो लोग बहुत मानते हैं, और यहाँ पे हमारा लंच भी काफ़ी पहले होता है। अप्रॉक्सीमेटली ऑफिस में जब रहता हूँ तो 11:30 to 12 o'clock के बीच में हमारा लंच हो जाता है, तो ये एक बात है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो रिसेंटली मेरा गाड़ी लीज पे लिया है, हाइब्रिड गाड़ी है, प्लग इन हाइब्रिड, उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मैंने एक छोटा सा वीडियो में दिखाया था थोड़े बहुत फीचर्स, तो मैं एक डिटेल में वीडियो बना लूँगा, तो वो भी दिखाऊँगा। ये तियारा से हाय हाय हाय, ये तो फ्रेंड्स आज इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से कोई एक दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।